ये जीन्स आप लोगों ने जीन्स के बारे में सुना होगा, जीन्स भी सुना होगा, डेनिम भी सुना होगा, और इसके बारे में कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेनिम एंड जीन्स? सो डेनिम इज द फैब्रिक एंड जीन्स इज द फैब्रिक, फैब्रिक डेनिम और सिंपल डेनिम अंदर जीन्स है। एक जीन्स बनने में हाउ मच वाटर कंज्यूम फ्रॉम टॉप टू योर बॉटम, लुक एट इट, 700 लीटर, 7500 लीटर, टू मच। Do you know how many pair of jeans produce annually? 1.5 billion. So if you multiply the liters with billion, so it becomes a liter. How much chemical we use? 3 kg. So 1.5 billion multiplied by 3 kg. Lots of them. How much energy consumed? 1.5 kilowatts multiplied by 1.5 billion becomes megawatts. And how much CO2 emission is equivalent to 24 miles? तो अभी देख सकते हैं कि एक गाड़ी 50 माइल सेकेंड पृथ्वी का अंदर सेकेंड में करेगी। तो आपको लगता है कि इसी तरह हम चलते रहते हो ये जीन्स इलिमिनेट हो जाएगी या सस्टेन करेगी, क्या कहते हैं आप? इलिमिनेट हो जाएगी, तो इसको इलिमिनेट होना चाहिए। सबकी पसंद, आई लव जीन्स, एवरीबडी लव जीन्स। सो इसको सस्टेन रखने के लिए हमें स्टेप्स लेंगे, सारी चीजों को हमें रिड्यूस करना। अगर हम रिड्यूस करने में कामयाब होते हैं तो ये सस्टेन करेगा, बिकम अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट, ये चलेगा 100-200 साल, 300 साल, ठीक है। सो सस्टेनेबल प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको यहां से, और क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में क्लोथिंग इंडस्ट्री जो है वो इसी किस्म के पैरामीटर्स में चल रही है। स्पेसिफिकली जो जीन्स है वो सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करती है और सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। तो ये एक अलार्मिंग पोजीशन है क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए, ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी। तो अगर हमने इनको सस्टेन करने में कामयाब नहीं हुए, इनको रिड्यूस करने में कामयाब नहीं हुए, तो आपके प्रोडक्ट इलिमिनेट होकर चले जाएंगे, जो कि नेशनल कुदरत में आपको